नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ्रॉनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ईद मुबारक। और आज ईद के ओकेशन में मार्केट की छुट्टी है और मार्केट बंद है। आज तारीख 21 जुलाई और टाइम हो रहा दिन के 2:30 बज रहे हैं। तो मैंने भी मार्केट वॉच करा था, क्योंकि कल जिस तरह से निफ्टी में गिरावट हुई है, यानी प्रॉफिट बुकिंग जिस तरह से, क्योंकि FIs ने बहुत दबके सेलिंग करी है डाउ फ्यूचर अप था, मगर फिर भी अपना निफ्टी टूट चुका था। निफ्टी, BSE, सेंसेक्स अपना टूटा, बैंक निफ्टी अपनी टूटी। तो FIs की बिकवाली के देख DIs ने खरीदारी की है, मगर DIs ने कम करी थी। चलो कोई बात नहीं, कल मार्केट आपको अभी मिलेगा जिस तरह के पॉजिटिव ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, बाकी संकेत मिल रहे हैं, पॉजिटिव व्यू मिल रहा है, तो डेफिनेटली अब रहने वाली है और 1% की तेज़ी हो सकती है कल की मार्केट में। चलिए कोई बात नहीं, अब शुरुआत करते हैं। आज मैं किस शेयर को लेकर आया हूँ, किस शेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन कर रखी है। कंपनी का नाम है एडवर्ड डेविड लिमिटेड। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी फार्मास्यूटिकल में है। ये देखिए कंपनियाँ जो काम है फार्मास्यूटिकल का है सारा का सारा। आपको पता है कोविड के चलते हुए फार्मास्यूटिकल में जितनी अब ट्रेंड आ रखा है, जो फार्मास्यूटिकल को बूम मिला है, तो इस कंपनी के अंदर भी क्या अभी भी अप मूव है, क्या इस कंपनी में और भी बाय करके और भी पैसों को मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, चलिए समझते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पर ओपन कर लिया मैंने, तो गूगल पर एडवर्ड डेविड का ये देखिए ओवरव्यू देखिए। इन्हें कल इसने 20 जुलाई को 6.5 यानी कि पूरे 7% की तेज़ी के साथ ये इसने अपना अप ट्रेंड दिखाया, 10% की तेज़ी पे चला गया था शेयर कल की डेट में। कल इसने अपने 52 हाई भी तोड़ा, कल इसने अपना नया 52 हाई बनाया। तो ये देखिए ओपन होता है 536.40 रुपये पे, हाई मारता है 622 रुपये का और लो मारता है 630 रुपये का, 530 रुपये का सॉरी, ठीक है। और इसका 52 हाई है, कल ही की डेट में बनाया नया 52 हाई है इसका 622.90 रुपये का, और 52 लो है 374 रुपये, ठीक है 374, 52 लो है। तो ये तो ओवरव्यू हो गया कंपनी का, कंपनी किस में है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है बल्क फार्मिंग का मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, हमारा कंपनी का ओवरव्यू समझ आ गया। अब समझते हैं और भी साइडों के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है। मैं स्कैनर के साइड पर आ गया, इसका देखिए मार्केट कैप है 327 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE भी सही है इसका, PE भी सही है, ठीक है। और ये देखिए डिविडेंड भी दे रही कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये, काफ़ी अच्छा है कंपनी, यानी कि फेस वैल्यू भी सही है शेयर की। ये देखिए कंपनी का मेन, जो भी कोई भी कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहले इस कंपनी के अंदर ये देखा जाता है कंपनी कर्जा फ्री है क्या, वो अपना कर्जा कम कर रही है, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर कर्जा कम होगा, कंपनी कर्जा फ्री होगी, उस कंपनी ग्रोथ डेफिनेटली है। तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते समय, उसका फंडामेंटल एनालाइज करते समय हमें ये जरूर देखना चाहिए कंपनी के अंदर कर्जा कम हो रहा है या कर्जा फ्री है, ये जरूर देखना चाहिए। बाकी उतार चढ़ाव तो हर टाइम चलता है कंपनियों के साथ, क्योंकि कभी कंपनी बिजनेस अप जाता है, कभी लो जाता है, बट कर्जा कम होना चाहिए कंपनी को और कर्जा उसे चुकाना चाहिए टाइमली, ठीक है। तो रिड्यूस डेट, यानी कंपनी और कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा कम होने वाला है, ये कंपनी का व्यू दिख रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसका कंपनी का प्रॉफिट देखिए क्वार्टर वाइज क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर से क्वार्टर वाइज का अच्छा आया था, मगर ईयर वाइज ईयर थोड़ा सा कम आया था रेवेन्यू, बट सही है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, हर बार डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, देखिए एवरी ईयर डिविडेंड भी दे रही है। ये देखिए ईयर वाइज ईयर, ये देखिए 2002 के अंदर ने 11% का रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट किया था, मगर 2021 में इसने 2021 में इसने 8% का प्रॉफिट, यानी कम किया था 3%, बट फिर भी प्रॉफिट मेकिंग थी। ये देखिए टोटल यानी कि सही था, यानी कि नेट प्रॉफिट का सही था। बाकी कंपनी है, कंपनी अपना EPS भी दे रहा है, यानी कि डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, ऐसा नहीं है कंपनी डिविडेंड पेइंग नहीं कर रही है, ठीक है। EPS भी इसका अच्छा चल रहा है, इसका डिविडेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये कहाँ अपना डिविडेंड भी पे करती है कंपनी, ये कंपनी डिविडेंड पेइंग भी है साथ के साथ। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ टिकट क्या मांगा कंट्रोल की साइड पे। तो ये देखिए इसमें मार्को एवरेज मूव टेक्निकल इंडिकेटर एवरेज टेक्निकल कंपैरिजन भी हमें अप ट्रेंड की तरफ बोल रहे हैं, इसमें अभी भी अप बाइंग बाकी है,
बाकी मैंने आपको बताया था डाउन दिया था ईयर बाई ईयर, देखिए 17% डाउन साल से, इस साल का आया था रिजल्ट एल्विट डेविड की कंपनी के, ठीक है। तो ये देखिए हमारे को अब इसमें सारे एनालाइजर हमारे सेल करने के लिए बाय सेल करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं क्यों सेल्स की प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है आपने, क्योंकि देखिए ये एक शेयर ऐसा है जिसको हमें वॉच लिस्ट में रख के अपने पैसे को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इस शेयर को बस हमें वॉच लिस्ट के अंदर रख के और इसमें बनेंगे सही लेवल पर, मैं बताऊँ किस लेवल आपको एंट्री करनी है, किस लेवल पर आपको सेल करने भी बताओ, ठीक है। इसका देखिए मैं टिकट टाइप की साइड पर आ गया हूँ, ये टिकट टाइप की साइड पर देखिए इसका वन डे का है इसने, यानी कि वन डे इसने पूरा 8% के साथ हुआ है, यानी कि वीकली में इसने 14% दिया, मंथली में इसने 20% अभी रिटर्न दिया अभी तक, इसमें अभी अब ट्रेंड बाकी है, ठीक है। पीई रेट भी सही है इसका, कर्जे कम कर रही डे बाई डे, ये देखिए क्वार्टर ईयरली इन्हें प्रॉफिट दिया, कंपनी प्रॉफिट दे रही है। तो ये हो गया, अब मैं इसका फाइनेंस चार्ट खोल लेता हूँ, फाइनेंस के अंदर जाते हैं हम लोग। तो फाइनेंस के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको हर एवरी ईयर ये डिविडेंड भी दे रही है, देखिए एवरी ईयर डिविडेंड दे रही है, यानी कि लास्ट ये कंपनी यानी जब से रनिंग में कंपनी, यानी कि 2012 से मैं आपको दिखाता हूँ, 2012 से कंटिन्यू डिविडेंड देती आ रही है। 2020 में इसने 7 रुपये का दिया था, इसमें इसने 6 रुपये का दिया, यानी कंपनी के अंदर पैसा भी ज़्यादा तो बुरा नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर, ये सब चलता है। देखिए इसमें सारे इंडिकेशन हमें बाय करने के लिए बोल रहे हैं, सारे इंडिकेशन हम कुछ कंपनी शेयर हमें बाय करके अपने पोर्टफोलियो को चाहिए होता है। इवेंट मैंने बता दिया आपको, ये ओवरव्यू आपको, तो ये कंपनी का ओवरव्यू है अभी। तो अब मैं चार्ट के अकॉर्डिंग चलता हूँ, हम चार्ट ओपन कर लेते हैं इसका। ये मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है मैंने इसका, ठीक है। डेली चार्ट पे देखिए आप किस तरह के कैंडल फॉर्मेशन हो, स्टार शूटर कैंडल फिट हो रही है, ये देखिए यहाँ पे कितनी हाईली वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई है, हाईली वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है, और हाईली वॉल्यूम के साथ इसमें कैंडल बुलिश कैंडल ट्रेंड हुई है और ये अप ट्रेंड की तरफ हो चुका है, यानी कि पिछले यानी कि 14 जुलाई से ही अप ट्रेंड की तरफ ही है शेयर, 14 जुलाई से अप ट्रेंड की तरफ है ये, 14 जुलाई से, यानी कि इसका MACD भी देखिए अप ट्रेंड की तरफ है, RSI भी सही है, ओवरबॉट जोन में नहीं आ गया है, ठीक है। और इसका ADX भी अच्छा अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, यानी कि तीनों चारों पैटर्न हमारे को अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहे हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग भी और हमारा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी, RSI भी, MACD सारे हमें अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है। इसमें क्या अभी भी और अप बाएंगे, तो इसमें जो पहले दो टारगेट के लिए मैं आपको बोलूँगा, तो पहला टारगेट तो मेरा रहेगा इसके अंदर 622 रुपये का, दूसरा टारगेट है मेरा 680 रुपये का। इन दो टारगेट के लिए बाय करिए और अपने पैसे को मल्टीप्लिकेशन पे लगाइए, पहला टारगेट 622 का और दूसरा टारगेट 680 रुपये का, ठीक है। इन दो टारगेट के लिए आप बाय करिए, ठीक है। अब इसका मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ आपको, तो वीकली चार्ट पे भी सही है कॉन्सोलिडेट होके, देखिए ये यानी कि 480 रुपये से अप ट्रेंड की तरफ गया था ये, देखिए धीरे धीरे चलता चला गया। अभी भी इसमें अप बाइंग बाकी है, हम मंथली चार्ट देखते हैं तो क्या अभी भी मंथली चार्ट पे और भी अप बाइंग है इसके अंदर। देखिए मंथली चार्ट पर देखिए ये लास्ट यानी कि अप्रैल से ये कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ है, अप्रैल में इसका ब्रेकआउट आता है, अप्रैल से अप ट्रेंड की तरफ है और अभी भी देखिए इसका लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, 850 का लाइफ टाइम हाई है। तो इसमें दो टारगेट आप डेफिनेटली बाय करें, 720 में आ जाता तो कोई बड़ी बात नहीं, एक महीने के अंदर आपको 700 भी दिखा सकता है ये शेयर, क्योंकि जिस तरह से आप ट्रेंड लगातार 4 महीने से आप ट्रेंड की तरफ है ये, और अभी भी इसमें आप ट्रेंड आएगा, जिस तरह से इस मंथ इसमें हैवी बाइंग हुई है, हैवी वॉल्यूम के साथ ही इसकी कैंडल फॉर्मेट हो रही है, तो ये आप ट्रेंड की तरफ है, यानी कि मंथली वाइज भी इसके चार्ट पे अप ट्रेंड है। तो डेफिनेटली हम बाय करिए, पहला टारगेट 620 मान लीजिए, दूसरा टारगेट 680 रुपये का और तीसरा टारगेट 700 रुपये, इन तीन टारगेट से बाय करिए, पैसे साथ बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।